क्या देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बागपत में आबकारी विभाग की टीम ने काठा और चोहलदा गांव में ही छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। आबकारी की टीम ने एक मकान में चूल्हे के पास गड्ढे में और झाड़ियों में छिपा कर रखे शराब के पौवे बरामद किए हैं। फिलहाल आबकारी विभाग की टीम फरार हुए तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां आबकारी विभाग की टीम को मुखबिर से शराब तस्करी की सूचना मिली थी और जिसके चलते ही आबकारी विभाग की टीम ने देर रात कोतवाली बागपत क्षेत्र के काठा और इसके साथ ही एक गांव में छापेमारी की और टीम ने इस गांव में हरीश नामक एक युवक के यहाँ छापा मारा तो चूल्हे के पास तस्कर ने एक गड्ढा बना रखा था जिसमें अवैध शराब के 150 पौवे और काठा गांव के बाहर झाड़ियों में 100 पौवे बरामद हुए हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज संयुक्त कर्मचारी संगठन के सैकड़ों कर्मचारियों ने चमोली जिले के कर्णप्रयाग में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और साथ ही कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की हुंकार रैली में राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के हजारों कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया और संयुक्त मोर्चा ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मांग पर ही कार्रवाई न करने पर नाराजगी भी जताते हुए आंदोलन को देश भर में गति देने की बात कही है और नगर में आयोजित रैली के बाद भी सभा को संबोधित करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह रावत ने कहा कि आने वाला समय केंद्र सरकार के लिए निर्णायक समय है और कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है। उत्तराखंड में कार्मिक लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलनरत हैं और धामी सरकार को चाहिए कि कर्मचारी के हित में शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल करें और नई पेंशन स्कीम शिक्षक कर्मचारी के हित में नहीं है। इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं और पेंशन हुंकार रैली के माध्यम से राज्य सरकार से जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं और कर्मचारियों ने कहा कि 2005 के बाद से इस पुरानी पेंशन योजना को ही बंद करके बहुत बड़ा अन्याय कर्मचारियों के साथ किया गया है। अब भूल सुधार का समय है और सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की एकता और ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यदि सरकार जल्द ही कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती तो इसके परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। आज जो है हमारे जनपद चमोली के जो हम कार्यकारिणी के सदस्य में जिला महासचिव नौप्रुप के जो हमारा संगठन है उसका जिला महासचिव जनपद चमोली हूँ और जो आज हमारी रैली जो है इस प्रत्यक्ष में है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम आप लोगों ने काफ़ी देखा हुआ है कि तमाम राज्यों में हमारे राजस्थान हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्मचारियों का कई रोज का सामना हिमाचल प्रदेश सरकार को करना पड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी जो है इससे जाग जाए और हमारी पेंशन को बहाल करे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी 24 में होने जा रहे हैं और हम कर्मचारी इस रैली के माध्यम से ये जताना चाहते हैं कि हम कर्मचारी जो है अगर एक हो जाए हम सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं, जिस प्रकार से हिमाचल में हुआ है और अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार से हो रहा है इस प्रकार से हम इस उत्तराखंड में भी इसको करने में सक्षम हैं और बहुत जल्द करेंगे। इसलिए हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, लोकसभा चुनाव का 2024 है, क्यों ना हम अगर हमारा पेंशन बहाल नहीं करते हैं आप लोग तो हम लोकसभा चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारी उसका सामना भारी क्षति लोकसभा चुनाव में सरकार को होने जा रही है। इसके आज राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड के समस्त कार्मिक पेंशन हुंकार रैली में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज प्रदेश के समस्त कार्मिकों द्वारा आज बुलंद की जा रही है। इस रैली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व और प्रदेश के समस्त एनपीएस कार्मिक हिस्सा ले रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तराखंड के कार्मिक लगातार आंदोलनरत हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए और सरकार को शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए कि कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन बहाली कर देनी चाहिए। जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है तो उत्तराखंड राज्य भी एक पहाड़ी राज्य है
जहाँ की निश्चित रूप से अनेक विषमताएं हैं, ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। और इस रैली के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हो चुकी है। यदि कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन बहाली नहीं की जाती है तो आने वाले समय में सरकार को कार्मिकों का गंभीर रोष का सामना करना पड़ेगा। अब खबर अलीगढ़ से है। दरअसल पूरा मामला थाना अकबराबाद क्षेत्र के गांव रोहिना सिंहपुर से लेकर नानो पुल तक का है, और जहां पर घने कोहरे के चलते दिल्ली से एटा की ओर जा रहे वाहन एक दूसरे वाहन से टकराते गए, और जिसके चलते ट्रक, बस और कार सवार काफी लोग घायल हो गए हैं। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा रहा है। और वहीं घायल व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया है कि वो अलीगढ़ से सिकंदरा राव की तरफ जा रहे थे और कोहरा बहुत घना था। यहाँ पर एक कैंटर में ही एक्सीडेंट हो गया और कोहरे के कारण कोई वाहन दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते हमारी कार कैंटर से में घुस गई और जिसके पीछे जा रहे वाहन हमारी कार में टकरा गए, और इसी तरह यहाँ पर दर्जनों वाहन आपस में टकराते चले गए, जिससे काफ़ी लोगों की चोट लगी है और कोहरा बहुत घना है। और स्थानीय पुलिस ने यहां पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया गया है। राजीव कुमार है, कहाँ के रहने वाले हो? मैं अध्यापक हूँ, सिकंदराव हूँ, अलीगढ़ से आ रहा था तो मैंने देखा, काफी अपने साथी के साथ निकला हुआ था मैं गाड़ी में, तो मैंने देखा कि एक्सीडेंट आगे हो गया, तो मैंने उतर के देखा तो आगे कई एक्सीडेंट हो रहे थे, उसमें मेरे एक मित्र साथी थे निर्दोष चौधरी। क्या नाम? कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले? वो अलीगढ़ से आ रहे थे, वो टीचर हैं देवर पनाखर प्राथमिक विद्यालय में, वहाँ हेड टीचर हैं, तो मैंने उनको फिर अलीगढ़ भिजवाया है अभी अभी। अच्छा, कहाँ कहाँ से आ रहे थे आप? मैं दिल्ली से आ रहा था। कहाँ के लिए जा रहे? एटा। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ, ये घटना कैसे हुई? जी कोहरे में कुछ दिख नहीं रहा था, पहले इसका एक्सीडेंट हुआ किसी से और उसके पीछे मेरी गाड़ी रुकी है। कौन सी गाड़ी है आपकी? मेरी इनोवा क्रिस्टा। और कोई फिर आपके साथ कोई लोग घायल हैं? कुछ नहीं, घायल कोई नहीं है, हल्की हल्की चोट है। अयूब अंसारी। अच्छा, कहाँ के लिए जा रहे थे आप? कलकत्ता। कहाँ से आ रहे थे? दिल्ली से। ये घटना हुई कैसे हुई? ये आगे मारुति एक्सीडेंट हुआ था, उसमें बंदे मर गए थे, उसके लिए गाड़ी खड़ी थी, खड़ी गाड़ी में भाग गया। बच्चे मर गए थे? वो एक मारुति में 3-4 बंदे थे, वो गाड़ी के नीचे घुस गई थी। अच्छा, उसके चलते जाम लगा हुआ था। यहाँ कुछ लोग घायल भी हैं? यहाँ पे नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे सहयोगी आकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, कोहरे के कारण बड़ा हादसा होते होते बचा है, कितने लोग इसमें घायल हो गए हैं, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जो है, सुबह से ही मौसम गड़बड़ चल रहा था, जिसके चलते आज सुबह से ही घना कोहरा था, और जो आज अकराबाद क्षेत्र के जो नानों के पास जो हादसा हुआ है, जिसमें भीषण सड़क हादसा होने के चलते जो कोहरे के कारण जो रोड नहीं दिखाई दिया, उसमें एक के बाद एक वाहन टकराते गए, जिसमें दर्जनों वाहन जो है आपस में क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। दो लोगों के जो ट्रक चालक थे उनके मरने की सूचना भी मिल रही है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई, सभी घायलों को जो है इलाज के लिए नजदीकी CSC केंद्र में भर्ती कराया गया है और वहां पर जांच की जा रही है। जी आकाश, जिस तरह से जानकारी सामने आई है कि कोहरे के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, वहां पर लाइटों की व्यवस्था नहीं थी या किस कारण ये हादसा हो गया? बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि हाईवे पर ये पहला कोई ऐसा हादसा नहीं है, आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन जब भी जिस तरीके से कोहरा देखने को मिलता है तो जानकारी मिली जाती है कि कृष्णगिरी क्षेत्र में कोई ना कोई हादसा हो ही चुका है। हालांकि आज मैं आपको बता दूं कि कोहरा इतना घना था कि सामने जो है एक दूसरा वाहन जो है दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते जो है एक के बाद एक वाहनों की टक्कर होती गई, तो ट्रक चालक जो थे वो मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई और अन्य कई घायल भी जो है, कई लोग घायल हो गए, बच्चे, बुजुर्ग, कई महिलाएं भी इतना घायल हैं, जो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की तरफ से ये लोग जो है एटा की तरफ जा रहे थे, वहीं कुछ अध्यापक भी थे, कुछ जो है यात्रीगण भी थे। जी बिल्कुल आकाश, जिस तरह से जानकारी भी सामने आई है, पहले की दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई, उसके बाद कोहरे के कारण ये हादसा हुआ, फिर एक सभी गाड़ियों की आपस में टक्कर होती चली गई। बिल्कुल, जैसा कि एक गाड़ी जब वहां पर जो है उसके टक्कर हो चुकी थी, जिसके बाद जो पीछे से जो वाहन आ रहे थे उन्हें सामने की गाड़ी दिखाई नहीं दी, एक के बाद एक जो उनमें टकरा दी गई और टकराने के साथ साथ ही ये हादसा हुआ है।
जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फरुखाबाद में वाहन चालकों की थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। फरुखाबाद में तापमान गिरने के साथ ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है और दिसंबर के पहले कोहरे के आगोश में यूपी का फरुखाबाद समाया हुआ है और रात से ही जबरदस्त कोहरा, सर्दी का पहला कोहरा मौसम के जानकार मान रहे हैं और कोहरे की चादर में आसमान लिपटा है और कोहरे से वाहनों की रफ्तार जो है वो थमी हुई नजर आ रही है और वहीं धुंध बढ़ने से ही विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिससे हादसे होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। खबर फरुखाबाद से है, जहां फरुखाबाद महामंडेश्वर योगी नवलगिरी जी महाराज पहुंचे और आने वाले फिल्म पठान के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला भी किया है। बीते दिनों पठान ट्रेलर रिलीज होने के बाद जिस तरीके से फिल्म भगवा रंग की सीन को प्रयोग किया गया है, तभी से संत समाज के अंदर काफी आक्रोश है और संत समाज का कहना है कि जिस तरीके से फिल्म में भगवा रंग का प्रयोग किया जा रहा है वो सरासर गलत है। फरुखाबाद पहुंचे महामंडेश्वर से जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बातचीत की गई है तो फिर सीधे तौर पर फिल्म मेकर फिल्म के ऊपर जबरदस्त हमला किए हुए नजर आए हैं। आइए आपको बताते हैं कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को बदनाम करने के लिए, यहाँ की संस्कृति को बदनाम करने के लिए, यहाँ के धर्म को बदनाम करने के लिए ये फिल्म बनाई है। ये शाहरुख खान ने जो ये फिल्म बनाई है, मैं हाथ कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों से, इसका टोटल हिंदुओं को बहिष्कार करना चाहिए। एक भी व्यक्ति ये फिल्म नहीं देखे। आप कर क्या रहे हैं? अगर आपको बहुत करना है तो आप पाकिस्तान में जाइए ना, आप घर नहीं जाइए ना, अपने सारे रास्ते खुले हुए। लेकिन भारत में इस सरकार के द्वारा अभी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। धर्म पे, राष्ट्र पे और हिंदुओं पे बात आएगी तो जरूर कोई ना कोई उसमें आवाज उठेगी। और मुझे पूरी आशा है कि उत्तर प्रदेश के लोग और भारत के लोग इस फिल्म का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, कोई कोई नहीं। तो कुल मिला के गलत हुआ है इस तरह। पौड़ी से श्रीनगर जा रही एक बस की मल्ली के पास कार के साथ भिड़ंत हो गई और जिसके कारण बस सड़क के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गई और दुर्घटना में कुछ लोग घायल हो गए हैं और घटना की सूचना मिलते ही मौके के लिए पुलिस बल रवाना हो गई है। आपको बता दें कि सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने बताया है कि पौड़ी से ही श्रीनगर जा रही बस की एक कार के साथ भिड़ंत हो गई है और दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर राहत बचाव काम किया जा रहा है। तो आपको पौड़ी से खबर बता रहे हैं जहां पर हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बस मल्ली के पास यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और ये भी जानकारी सामने आई है कि पुलिस बल मौके के लिए रवाना हो गए हैं और ये भी जानकारी है कि सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने बताया है कि पौड़ी से ही श्रीनगर जा रही बस की एक कार के साथ भिड़ंत हो गई और दुर्घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है। मौके पर राहत बचाव काम किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजनों की श्रृंखला में शाम को गोरखपुर में ड्रोन को शो का ही इतिहास रचा जाएगा और देश में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का साक्षी बनने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवे मौजूद रहेंगे और आज़ादी के आंदोलन में ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर सेनानियों की याद में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी सम्मिलित होंगे और पर्यटन और संस्कृति विभाग के ही रविवार देर शाम ड्रोन शो का रिहर्सल कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और प्रदेश सरकार की तरफ से 15 दिसंबर से मनाए जा रहे काकोरी बलिदान दिवस समारोह के आखिरी दिन 19 दिसंबर के ही शाम 5 बजे से महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में ड्रोन शो से जंगे आज़ादी की गाथा और इसमें गोरखपुर के योगदान का सतरंगी प्रदर्शन किया जाएगा और शो में
750 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और इस लिहाज से ही ये देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा और अब तक का रिकॉर्ड भी यूपी के नाम होगा। और इससे पहले 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ के रेजिडेंसी में 500 ड्रोन के शो में ही अमर बलिदानियों की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया गया था। राजकीय महाविश्वविद्यालय ऋषिकेश के छात्र संघ चुनाव को लेकर दिन प्रतिदिन सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है और छात्रों ने भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में ही मतदान करने की जमकर अपील की है और इस दौरान समर्थकों ने अपने अपने प्रत्याशियों को कंधे पर उठाकर उनके हौसला अफजाई किया है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ऋतिक पाठक ने छात्रों को वादा किया है कि उनकी हर समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर रहेंगे और शिक्षा से लेकर ही तमाम सुविधाओं को जुटाने के लिए भी वो जीत के बाद भरसक प्रयास करेंगे और शक्ति प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी साथ में मौजूद रहा। शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रोफेसर प्रशांत सिंह ने छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या क्या जानकारी दी है, आप भी सुनिए। और इसी खबर पर हमारे साथ ऋषिकेश से हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जैसे जानकारी सामने आ रही है कि रैली निकाल कर चुनाव जीत का दम दिखाया गया है, पूरा मामला क्या है? यह न्याय क्योंकि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का ये पहला चुनाव है और इस चुनाव में जो है दो साल बाद, क्योंकि पहले कोविड था, कोविड के बाद अभी पहला चुनाव हो रहा है। इसमें जो भी दल है, NSUI हो या IBPU हो या अन्य कोई हो, वो सब लोग जो है अपने पूरा दमखम दिखाने की कोशिश करते हैं और साथ ही चुनाव के जो पैनल था उसका भी उन्होंने अभी वो किया है, एक लोगों के सामने उसको निकाला है। जो भी समर्थक है वो सब ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करके अपना पद का जो करा है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद के चुनाव जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो उन्होंने रैली निकाली और शक्ति प्रदर्शन कर प्रत्याशियों को मतदान करने के लिए अपील की है। साथ ही जमकर अपील के लिए लोगों ने अपने छात्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी प्रत्याशी है ऋतिक पाठक, तो उसको उन्होंने भारी मतों से जिताने की अपील की है। साथ ही जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी इस पर अपनी दृष्टि बनाई हुई है कि कोई पुलिस बल के साथ उन्होंने सब मिलकर जो है चुनाव को शांतिपूर्वक करने की अपील की है। साथ ही छात्रों को उन्होंने कहा है कि कोई भी जो बाहर कॉलेज के बाहर इसका प्रदर्शन या कुछ ऐसा ना करे, सिर्फ 200 मीटर के दायरे में उनको ये सब करना पड़ेगा। तो जिस तरह की जो नीतियां हैं कॉलेज की, नीतियों के अनुसार उन्होंने उनको निर्देश दिए। जी संजय, अगर सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? यहाँ वैसे तो ऋषिकेश में हमेशा शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, लेकिन फिर भी अगर सुरक्षा से देखें तो पुलिस बल वहाँ पर काफी होता है और चारों तरफ पुलिस अपने तरीके से सुरक्षा के इंतजाम करती है। साथ ही कॉलेज प्रशासन भी उनको पूरा सपोर्ट करता है। साथ ही जो छात्र संघ के जो पूर्व पदाधिकारी है उन लोगों को साथ बैठक करके उनको नीति समझाई जाती है, किस तरह से एंट्री होगी और किस तरह से एग्जिट होगा और क्या क्या करना पड़ेगा और कहाँ से कहाँ तक आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं या जो आपकी कन्वेंसिंग है कहाँ तक कर सकते हैं, इस तरह की बात को लेकर पुलिस के साथ मीटिंग कर उन्होंने ये एक नीति बनाई है। जी जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। महंगे होटलों में कई महीने रुकने के बाद बिना बिल चुकाए फरार होने वाले एक शातिर युवक को मुनिकरेती थाना पुलिस ने यूपी के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है और युवक का नाम इंद्रनील भट्टाचार्य है और वो पांडव नगर दिल्ली का रहने वाला है। आरोपी ने पहले लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र और फिर मुनिकरेती थाना क्षेत्र के होटलों में एक एक महीने का समय बिताया और फिर पेमेंट देने के समय ATM जाने का बहाना कर फरार हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और दो महीने के बाद आरोपी को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया है कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है जहां कोर्ट के आदेश पर यूपी
को जो ये कामयाबी मिली है यूपी पुलिस को, उसको लेकर ही पुलिस ने उसे जेल पहुंचा भी दिया है। और इससे पहले पूछताछ के दौरान आरोपी ने इस प्रकार की वारदातें अन्य राज्यों में करने का भी जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। बताया है कि मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में आरोपी ने 1,10,000 का बिल नहीं चुकाया। और इसी खबर पर हमारे साथ ऋषिकेश से हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय शर्मा, पूरा मामला क्या है, ठगी का मामला सामने आ रहा है पूरी तौर पे? ये जिस तरह की ये मामला है, ये एक अनोखा सा मामला है कि एक व्यक्ति आता है, होटलों में रहता है और एक एक महीने तक रहेगा, हजारों का बिल जब बनता है तो वो किसी भी बहाने से निकलता है, और कभी एटीएम के बहाने से, कभी किसी और बहाने से निकलता है और भाग जाता है। तो इस तरह की हरकत उन्होंने यहाँ पर जो अच्छे अच्छे होटल है लक्ष्मण झूला और मुनि की रेती में, सभोवन में, तो वहाँ पर उसने इस तरह की हरकतें 2-3 बार कर ली थी। तो उनके नाम की जो शिकायत बार बार पुलिस को आ रही थी जी। तो पुलिस ने फिर जब उसको ट्रैक किया तो ट्रैक करने के बाद वो नोएडा में उसको पकड़ लिया। पांडव नगर दिल्ली का रहने वाला इंद्रनील भट्टाचार्य नाम का ही व्यक्ति, उसका काम सिर्फ यही है कि वो यहाँ आता है और होटलों में रहता है एक महीना दो महीना रहने के बाद वो किसी भी बहाने से, एटीएम से पैसे निकालने के बहाने से या किसी तरह से, और उसके बाद वो फरार हो जाता है। ऐसी जो हरकत है, तो पुलिस ने जब उसकी 2-3 शिकायतें आई तो पुलिस ने फिर उसको संज्ञान लेकर उसको ट्रैक किया, और ट्रैक करने के बाद उसको गिरफ्तार किया, ताकि जब उससे पूछताछ करी तो उससे पूछताछ करने के बाद उसने कबूला है कि मैंने और जगह भी इस तरह की हरकतें करी है, और उसको फिर न्यायालय में भेजा, वहां से उसको जेल भेज दिया गया। जिस तरह से जानकारी ये भी सामने आई है संजय कि पुलिस की जो तलाश कर रही थी आरोपी की, वो कब से कर रही थी, क्योंकि वो कई बार ऐसे होटलों में रह चुका है और ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। ये लगभग 3 महीने पहले भी इसने ऐसी एक हरकत करी थी, उसके बाद फिर अभी हाल फिलहाल में जब इसने ऐसी हरकत करी तो पुलिस को लगा कि ये कोई कार्तिक बदमाश ना हो, यहाँ पे छुपने के लिए आ रखा हो, तो पुलिस ने उसको सभी पहलुओं पे जांच की, और जांच करने के बाद इसको जी जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों से कबाड़ के नाम पर सरकारी संपत्ति पर हाथ साफ करने वाला गिरोह राजस्व पुलिस ने हत्थे चढ़ गया है। पूरा मामला देवप्रयाग विधानसभा के कृति नगर ब्लॉक का है, जहां पर यहां ग्राम प्रधान द्वारा एसडीएम कीर्ति नगर को ही सूचना दी गई, और उनके इलाके में काफी लंबे समय से कुछ लोग सक्रिय हैं जो कबाड़ के नाम पर सरकारी पाइपों को चोरी कर ले जा रहे थे, और सूचना के बाद ही कार्रवाई करते हुए एसडीएम कीर्ति नगर द्वारा ही राजस्व उप निरीक्षकों को चेकिंग के लिए भेजा गया, तो पाया गया कि जिस ट्रक में कबाड़ परिवहन होकर जा रहा था उसमें कबाड़ के नीचे सरकारी पेयजल पाइपों को छुपाया गया था, और ये पाइपलाइन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बिछाई गई थी। और पूरे मामले को लेकर राजस्व उपनिरीक्षक चिलेड़ी द्वारा ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, और क्षेत्र में इस तरह का कोई अन्य गिरोह भी सक्रिय है या नहीं है इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। लगातार शिकायत मिल रही थी कि कबाड़ के आर में सरकारी संपत्ति को लूटा जा रहा है, या इस तरीके की शिकायत आपके पास आई थी, क्या शिकायत थी और क्या कुछ कार्रवाई इस पर? इसमें जो हमारे गणजी हैं वहाँ से आया था, ग्राम प्रधान की ओर से भी और कुछ लोगों द्वारा अवगत कराया गया था कि कुछ कबाड़ की आड़ में कुछ लोग कबाड़ दिखाते हुए कई बार जो हमारी सरकारी संपत्ति है, जैसे कि आपका पेयजल लाइनें बिछी हुई हैं, उनको भी काट करके उसको कबाड़ की आड़ में बेच देते हैं, और वो पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि वो सामान उनका नहीं पकड़ में आता है। तो कल जब ये सूचना प्राप्त हुई, जैसे ही तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह से उनके द्वारा काट करके बेचा जा रहा है उसको, हमारे द्वारा जो ट्रक था उसको ट्रेस करवाया गया, तो ट्रक का जो चेकिंग के दौरान हमने सामान वगैरह का पूरा तलाशी ली थी, उसमें कुछ माल बरामद हुआ था। कल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।